स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आज के ताजा मौसम समाचार में। आपको बता दें मौसम को लेकर अभी एक ताजा खबर निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में सूखे की स्थिति, लेकिन अब इन इलाकों में भयंकर बारिश के साथ चलेंगी तेज हवाएं। तो चलिए जानते हैं कि किन किन जिलों में अब तेज आंधी के साथ होगी बारिश और किन किन जिलों में मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरे देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में मौसम सूखा रहा। वहीं पूर्वी इलाकों में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 6.2 मिलीमीटर के सापेक्ष 3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 35% कम है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 7.8 के सापेक्ष 0.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि 98% कम है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो अनुमान बारिश 7 मिलीमीटर के सापेक्ष 2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जो कि 31% कम है। आपको बता दें पिछले 24 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में सबसे अधिक 38 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा संत कबीरनगर में 21, गोरखपुर में 25, बस्ती में 16 और 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जिलों में सूखे की स्थिति रही है, लेकिन आपको बता दें कि अब एक और खबर निकल कर आ रही है कि गरज चमक साथ अब इन जिलों में बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। जो जिले हैं देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, कोसीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, वैराय, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर एवं आसपास के इलाकों में गरज चमक साथ कहीं हल्की, कहीं मध्यम, कहीं तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अगर बात करें किन जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान किन जिलों में कैसा रहने की संभावना है, तो राजधानी लखनऊ में कल दिनभर बादलों की आवाजाही रही। कुछ स्थानों पर बहुत ही हल्की बूंदाबांदी भी हुई। दिनभर बादलों की आवाजाही रहने से अधिकतम तापमान में 3 डिग्री की कमी दर्ज की गई। वहीं आपको बता दें कि बीते कुछ समय पहले अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। वहीं कल अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राजधानी लखनऊ में आज बादलों की आवाजाही रहेगी। एक दो स्थानों पर गरज चमक साथ हल्की कई मध्यम बारिश होगी। अधिकतम तापमान भी 32 व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वीडियो के अंत में आपको बताना चले कि अगले कुछ दिनों से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और देश के पूर्वी हिस्से में कुछ राज्यों में मौसम के लिहाज से भारी पड़ सकती है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले 4-5 दिनों तक अब फिर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान हुई मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और आपको बता दें दूसरी घटनाओं में 1-2 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हो गई। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल LHTV इंडिया को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।